सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी पैरट्स में। दोस्तों, आया हूं उस इंसान के पास जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो कॉन्यूर का स्पेशल एपिसोड बनाने आए थे हम फजल भाई के वहाँ पर, प्रोफेसर साहब हमारे, तो फजल भाई के वहाँ पर आज मैं कुछ खास मकसद से आया हूं, कुछ हेल्दी डिस्कशन करने आया हूं, कुछ बातें करने आया हूं। बेसिकली ये एपिसोड के अंदर आपको ज़्यादा बर्ड्स देखने नहीं मिलेंगे। हाँ, आप बोर ना हो जाए इसलिए बीच बीच में मैं क्लिप्स तो लगा ही दूंगा, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन, एक पॉडकास्ट एपिसोड आप इसको बोल सकते हो। डिटेल में हम थोड़ा बातचीत करने आए हैं और बातचीत आपसे शेयर करने आए हैं कि मार्केट कैसा है बर्ड का, बर्ड का मार्केट कैसा है, प्राइस क्यों अप होते हैं, प्राइस क्यों डाउन होते हैं, कैसे मार्केट को स्टेबल किया जा सकता है, कैसे प्राइस को मेंटेन करके सब खुश रहे हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो एक हेल्दी डिस्कशन करने आए। तो फजल भाई के पास, फजल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। फजल भाई को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह प्रोफेसर साहब भी है, टीचर है फजल भाई, तो इसीलिए रिस्पेक्ट 1000+। दोस्तों, जानेंगे अब डिटेल में कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को कैसे स्टेबल किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स जो फजल भाई से मैं बातचीत करूंगा और आपसे मैं शेयर करूंगा। तो पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो पसंद आता है लास्ट में आपको लाइक करके जाना है। दोस्तों, तो देर ना करते हुए पहला सवाल हम फजल भाई से पूछ रहे हैं। फजल भाई, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि बर्ड की प्राइस मार्केट में डिसाइड कैसे होती है और ऐसे क्या फैक्टर है जिसकी वजह से बर्ड की प्राइस इफेक्ट होती है। मतलब कहीं कहीं देखा गया है बर्ड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं प्राइजेस, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब इतने कम होते हैं जितना तो मतलब सोच भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्या वो पॉइंट्स है जो बर्ड्स की प्राइस को इफेक्ट करते हैं और बर्ड्स की प्राइस डिसाइड कैसे होती है, आप मुझे ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुजीब भाई आपका। और देखिए, सबसे पहले अगर प्राइस डिसाइड की अगर हम बात करें तो बर्ड की प्राइस जो है वो डिसाइड करता है सेलर और बायर। जैसे कि हर चीज़ का जो प्राइसिंग है वो डिसाइडिंग होता है, इकोनॉमिक्स का रूल है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पर भी लागू पड़ता है कि भाई कितना बर्ड अभी सप्लाई में है और सामने उसकी डिमांड कितनी है। लेकिन जो मेन इफेक्टेड पॉइंट्स जो है वो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ की हम डिस्कस करेंगे और कुछ जो है वो डेफिनेटली छूट ही जाएंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। काफ़ी लंबा एपिसोड बनेगा, लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, मार्केट को आप स्टडी कर सकते हो, ये वीडियो को देखकर मार्केट का आपको ठीक ठाक हाल पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई आप बर्ड खरीदते कहाँ से हो। बिल्कुल, प्राइस डिसाइड वो होगी कि आप बर्ड खरीदते कहाँ से हो। देखिए, मेन जो है वो मार्केट के अंदर तीन सप्लायर अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीडर की, ब्रीडर है, रिसेलर है और जो हमारे पेट शॉप ओनर है वो है। ये तीन अलग अलग डिफरेंट सेलर है जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, जो बर्ड लोगों को अवेलेबल कराते हैं, जो लोगों को बर्ड अवेलेबल कराएंगे। ब्रीडर मींस वो लोग हैं जो खुद बर्ड को ब्रीड कराते हैं और वो मार्केट के अंदर अपने बर्ड डायरेक्टली कस्टमर के अंदर सेल करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट आएगा रिसेलर, जिनकी कोई पेट शॉप वगैरह नहीं है, लेकिन वो एक जगह से बर्ड को खरीदते हैं, कुछ वक्त तक, एक दो दिन या जब तक बर्ड सेल नहीं होते वहाँ तक होल्ड करते हैं और फिर उसको कस्टमर को सेल करते हैं, रिसेलर जिसे हम बोलेंगे। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पेट शॉप ओनर। पेट शॉप ओनर सबको पता है, पेट शॉप की काफ़ी शॉप्स है। देखिए, कभी भी ये तीनों की प्राइस लोग क्या करते हैं, सेम करना चाहते हैं या सोच बिठा लेते हैं कि भाई तीनों की प्राइस सेम होगी, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ब्रीडर को एक पूरा डिफरेंट प्राइस के अंदर उसका पूरा सिनेरियो एक डिफरेंट है, वो एक अलग प्राइस में आपको सेल करेंगे। रिसेलर का एक अलग पॉइंट है और जो पेट शॉप ओनर है उनका एक अलग पॉइंट है। तीनों की अपने अपने कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट्स है। तो वहाँ पर से आप कहाँ से बर्ड खरीदते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीनों का प्राइस डिफरेंट रहेगा। अब उसके साथ साथ अब हम वो कंपेयर नहीं करेंगे कि कौन सही प्राइस में दे रहा है या कौन गलत प्राइस में दे रहा है, हम पूरी वीडियो में उस चीज़ को कंपेयर नहीं करेंगे। वो काम आपका है, वो आप डिसाइड करिए कि भाई किसको क्या सोचना है और क्या करना है। बिल्कुल, वो हम नहीं बताने वाले क्योंकि वो हमारा विषय ही नहीं है। वो चीज़ देख के आपको लेना है कि आप कैसी चीज़ ले रहे हो, वो प्राइस उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्ड की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बर्ड की हेल्थ के ऊपर। लोग क्या करते हैं, एक मैं अपने कॉन्यूर की बात कर लेते हैं कि भाई एक एवरेज उन्होंने एक माइंड में अगर बिठा लिया है कि भाई 10,000 रुपये में, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 10,000 रुपये में पैर मिल रही है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे मार्केट में तीनों जगह जब ओनर के पास जाएंगे, बर्ड ओनर के पास यानी कि ब्रीडर के पास, तब भी वो सेम डिमांड करेंगे, रिटेलर के पास जाएंगे तब भी सेम डिमांड करेंगे, रिसेलर के पास और वो पेट शॉप के पर भी जाकर सेम डिमांड करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसेलर है
और जो पेट शॉप ऑनर है वो खुद भी कहीं से परचेज करते हैं, वो परचेज करते हैं लेकिन वो ऐसे ही नहीं परचेज करते, उनके भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, उनके कुछ जानने पहचानने वाले कुछ अच्छे ब्रीडर्स होते हैं जहाँ से वो लोग बाय करते हैं, बाय करने के बाद उन लोगों को खुद को उसके ऊपर कॉस्टिंग रहता है, सारी चीज़ें रहती है और वो ये अश्योरेंस रहते हैं। देखिए जो हमारे जो पेट शॉप ऑनर है वो भी ऐसे ऐसा नहीं है, वो अश्योरेंस देते हैं, कुछ पेट शॉप ऑनर अश्योरेंस देते हैं कि भाई हाँ हमारे यहाँ से आप बर्ड लेके जाओ वो हमारी खातरी के, क्यों, क्योंकि उनको आगे की खातरी के अगर बर्ड मिलते हैं तो। लेकिन कुछ पॉइंट्स है उसके अंदर जो प्लस माइनस रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, आप सब बर्ड्स की हेल्थ के ऊपर अलग अलग तरीके से, आप जब बर्ड की हेल्थ है उसके ऊपर प्राइस डिफरेंट करता है। मान लीजिए कि कोई एक बर्ड ऐसा है जो फुल कंडीशन में है, अपनी हेल्थ की टॉप कंडीशन में है, ठीक है, और एक बर्ड ऐसा है जो अभी काफ़ी डीम है, और तीसरा जो बर्ड है वो बर्ड ब्रीडर या बर्ड ऑनर को जो भी चाहे वो कोई भी है उसको पता है कि भाई ये इतना अफेक्टेड हो चुका है एक दो दिन में चला जाए कि ये कुछ वक्त में, ये कुछ वक्त का मेहमान है, बराबर, वो जो रखने वाला उसको पता है, एक नया हॉबिस्ट है या नया कोई बंदा है उसको वो ये नहीं जानता लेकिन उसको बंदे को पता है। अब जो टिप टॉप कंडीशन में है जब आप सेलर के पास जाओगे वो बोलेगा मेरे को ये 14,000 रुपये में सेल करना है, जो मीडियम वाला कंडीशन में है वो बोलेगा ये अभी थोड़ा बहुत तो 19-20 है, ये चलेगा नहीं भी चलेगा, चाइना वाला माल 12 तक निकाल देते, हाँ ये 12 में निकाल देंगे, छेले कस्टमर छूटेगा, 10 में भी बोले लेके जा, लेके जा, लेकिन उसको पता है कि भाई ये मेरे डुबा के जाएगा, तो ये जो थर्ड पॉइंट है मेहमान जो है बड़ उसकी बात कर रहे हैं वो जो है वो आपको 6,000 में भी दे देगा, क्या भाई मेरे 6 तो आते हैं, दे देगा, हाँ मेरे 6 तो आते हैं, तो आप आपको डिपेंड, आपको डिपेंड करना है। देखिए वो ये वो सेलर का, ये वो सेलर का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उससे खरीदते हैं तो वो उसका फॉल्ट नहीं है, वो अपने आप को अश्योर कर रहा है, वो अपने आप को सेव कर रहा है, ये खरीदने वाले का प्रॉब्लम है, उसको एटलीस्ट उस बर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या फिर तो ऐसे बंदे से खरीदे जिसके ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे आप किसी से भी खरीदें, चाहे वो ब्रीडर हो, चाहे वो रिसेलर हो, चाहे वो पेट शॉप ओनर हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो बंदा जो मुझे दे रहा है वो 100% सही चीज़ दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये चीज़ हो गई हेल्थ के बारे में, तो बर्ड की अगर हेल्थ अलग अलग होगी तो उसकी प्राइस अलग अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं बर्ड की एज। अब मान लीजिए कि मेरे पास 4 महीने के कॉर्नियर्स है, मेरे पास 8 महीने के कॉर्नियर्स है और मेरे पास 15 महीने के, बहुत डिफरेंस होगा प्राइस में, क्योंकि एक बर्ड को अगर खिलाने में महीने का भी कॉस्टिंग निकाल दे तो 150 से 200 रुपये का कॉस्टिंग आराम से बैठता है, एक महीने की बात कर रहा हूँ। अगर 4 महीने का बर्ड है उसको 8 महीने तक लेकर जाना है तो 4 महीने जो खिलाया उसका कॉस्टिंग मोटा मोटा 1,000-1,500 रुपये तो ऐसे ही बढ़ जाता है दोस्तों, कॉस्टिंग भी बढ़ता है उसके साथ साथ जो लेने वाला है उसका रिस्क कम हो रहा है, बराबर रिस्क कम हो रहा है, आप रेडी करके दे रहे हो ना बर्ड, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बर्ड की एज, अब मान लीजिए कि मार्केट में कुछ लोग हैं जो 4-6 महीने के बर्ड होते मुश्किल से लेकिन बोल के सेल कर देते हैं अडल्ट है, अडल्ट है, लेकिन इसमें भी फॉल्ट मैं हमेशा बोलूँगा कि परचेज करने वाले का है, बायर का है, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्नियर्स के अंदर आप अगर 5 महीने की एज के बाद जाओगे तो बहुत मुश्किल है, अगर जब तक कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है वो देख के नहीं बता पाएगा बिल्कुल कि उसकी एज वो एडल्ट हो गया है नहीं हुआ है, कुछ तुक्के लगते हैं मार्केट में, तुक्के लगाने वाले बहुत है, बहुत है। देख के बोलेंगे ये ऐसा है वो वैसा है ये इतना है वो इतना, ये सब तुक्के हैं। गलती दोस्तों उसकी नहीं है जो बेचने वाला है, गलती आप लोगों की है कि आपने देख के नहीं लिया। यहाँ पर मुझे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जो पिक्चर है उसका एक डायलॉग याद आ जाता है कि जब वो सुल्तान का बाप जब वो काम कर रहा होता है, शायद वो कोयले की खान होती है उसमें काम कर रहा होता है, तो उसका नौकर जब उसको बाहर से आता है बुलाने तो वो जो पहलवान होता है उसको अंदर नहीं आने देता, वो उसको बोलता है कि तेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है वो मर जाएगी 6 घंटे बाद, 6 घंटे से बेचारा बाहर खड़ा होता है लेकिन वो अंदर नहीं आने देता उसको। तो बाद में जब सुल्तान का बाप उसको पूछता है उसके नौकर को कि तू क्यों अंदर नहीं आया, बोलता है पहलवान ने मेरे को अंदर आने नहीं दिया। इसके लिए वो नौकर अपने आप को मारता है, वो बोलता है कि गलती वो पहलवान की नहीं थी कि उसने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया, गलती मेरी थी जो मैं वो पहलवान को टक्कर देकर अंदर नहीं जा सका। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत गलती आपकी भी हो सकती है, आप देख दिखा के बढ़ लीजिए और ट्रस्टेड जो इंसान है जिसके आपको आँख बन करके जिसके ऊपर आपको भरोसा है उसके पास से माल लीजिए तो आपको 100% अच्छा ही मिलेगा। और अगर वो जो बेच रहा है माल उसको कस्टमर नहीं बनाने उसको क्लाइंट बनाने तो वो आपको अच्छा माल भी देगा।
अच्छा माल ही देगा आपको, क्योंकि उसको कस्टमर नहीं बनाना है, उसको क्लाइंट बनाना है। कस्टमर और क्लाइंट में फजल भाई थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप बता सको तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए वैसे नॉर्मली एक एवरेज अगर बात करें तो ये लोगों के लिए सेम वर्ड यूज़ होते हैं सिमिलर वर्ड के तौर पर, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई कुछ ऐसे है जैसे कि कुछ ठेला वगैरह लोगों पर लगाते हैं, कुछ लारी वगैरह लगती है, अब एक वन टाइम हमें सेल करना है, भले दूसरी बार आए नहीं आए, अगर हमारे को वो कुछ उसका कोई इफेक्ट नहीं करता, हर बार हमारे नए कस्टमर लेने, तो वो हो गया हमारा कस्टमर, ठीक है। लेकिन अगर आपको बार बार उस कस्टमर को रिपीट करना है तब वो आपका बनता है क्लाइंट, ठीक है। चलिए वापस से हम हमारे मुद्दे पर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करती है। नेक्स्ट बहुत ही इफेक्टेड जो चीज़ है वो है आपके बर्ड्स को जो है वो जो सेलर है उसने कितने टाइम तक होल्ड किया है, तभी वो आपको उसके बर्ड की हेल्थ के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, वो क्या खाता है, किस तरीके से उसका फीडिंग कितना है, तभी वो आपको बता पाएगा, वो खुद भी श्योर रहेगा, वो खुद श्योर रहेगा। जैसे आपको मैं मेरी बात करूँ, मैं इसमें एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे बर्ड लीजिए या नहीं लीजिए, वो बात नहीं है, मैं सिर्फ जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं नॉर्मली जो बर्ड लेता हूँ वो हैंड फीडिंग के बर्ड लेता हूँ, कॉन्योर्स में चिक्स लेता हूँ, हैंड फीडिंग चिक्स लेता हूँ, और उसको A19 के ऊपर खुद ही रेज करता हूँ, okay। उसको बड़े करने के बाद जब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं, सेल्फ हो जाते हैं, सेल्फ होने के बाद मैं उनका आफ्टर सम टाइम्स उसका मैं DNA कराता हूँ, DNA कराने के बाद उसको मैं पैरिंग करता हूँ, और पैरिंग करने के बाद वो पैर हो जाती है, हर बार नहीं होता कि पैर हो जाती है, बिल्कुल कभी सेटल करना पड़ता है, कभी मेल फीमेल चेंज करने पड़ते हैं, हर बार नहीं होता कि भाई वो पैर सेटल हो ही गए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको वक्त देता हूँ, टाइमिंग देता हूँ, और उसके बाद जो है वो अपने जो बर्ड्स है वो सेल में रखता हूँ, इस तरीके का मेरा प्रोसेस है। मतलब देखिए हैंड फीडिंग चिक्स को उठाना, उसके बाद उसको हैंड फीडिंग फार्मूला देके छोटे से बड़ा करना, जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने का वक्त लगता होगा, बिल्कुल। जब वो सेल्फ फीड पे आते हैं तो उनकी मेल फीमेल करके DNA करना, DNA करके पेयर करके सेट करके अलग से रखना, और फिर वो बड़े होने के बाद आपको देना, यानी कितना लंबा प्रोसेस है ये, 6 महीने 1 साल का प्रोसेस है। उसके बाद जब आपसे कोई प्राइस एक्सपेक्ट की जाती है तो आप जो पाला है भाई ने तो वो रेट में आपको देना भी पड़ेगा, वो ये वो वाला हिसाब नहीं है कि लाए 2 दिन अपने पास रखा और बेच दिया, वो वाला हिसाब नहीं है। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स, मैक्सिमम बर्ड्स जो है जो भी मेरे पास कॉन्योर्स है, वो कम से कम की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 महीने ये मिनिमम टाइमिंग है, okay। जो मेरे पास होल्ड रहता है 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने मिनिमम होल्ड रहता है, उसके बाद ही मैं बर्ड्स को सेल करता हूँ। उसके लिए मतलब ये मैं क्यों करता हूँ, ताकि मुझे अश्योरेंस हो जाए कि ये बर्ड परफेक्ट है, सामने वाले को दूंगा तो मेरा कस्टमर नहीं बनेगा वो मेरा क्लाइंट बनेगा, बिल्कुल घूम फिर के आएगा वो। और उसमें एक चीज़ ये रहती है कि मुझे पता होता है कि ये क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, इसका मॉर्निंग का डाइट क्या है, इसका इवनिंग का डाइट क्या है, ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है, मुझे उस बारे में पता होता है, बिल्कुल। मैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को बिल्कुल अश्योरेंस के साथ दे सकता हूँ कि आप ये चीज़ इसको खिलाइए वो खाएगा, खाएगा। लेकिन आप यही चीज़ अगर आप कोई रिटेलर से लेते हैं या रिसेलर से लेते हैं, जहाँ से कहीं से लिया लॉट उन्होंने सेल कर दिया, तो उनको नहीं पता होता कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, बेसिक जो सीड्स होते हैं वो तो खाएगा, वो तो खाएगा, भूख लगेगी वो तो हर चीज़ खा लेगा, जो सॉफ्ट फूड पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का कुछ मतलब सॉफ्ट फूड में ऐसी भी चीज़ें ऐड की होती है जिससे वो ब्रीड अच्छी करे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो एक ब्रीडर को ही पता होगा जिसने बचपन से रेस किया है बर्ड को, बिल्कुल। इसके साथ साथ एक खास पॉइंट जो जैसे हमने ये चीज़ को डिस्कस किया, ऐसा ही इसके साथ एक खास पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मुझे भाई, कि आप जितना जैसे अगर कोई भी सेलर है, okay। वो कितने टाइम तक बर्ड्स होल्ड करता है उसके साथ साथ डिपेंडिंग होता है कि वो कौन सी मेडिसिन वो करा रहा है, okay, सही बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसके बारे में क्या है अवेयर नहीं है, ये हमारा दूसरा पॉइंट के तौर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये दूसरे पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं, जो मैं सवाल पूछने वाला था ऑलरेडी उन्होंने वो बात छेड़ दी है, तो दूसरा पॉइंट यही रहेगा। जी बिल्कुल, तो मेडिसिन कि भाई एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन का तौर पे एक कोर्स कराते हैं, अब वो टेट्रासाइक्लिन का आपने मान लो कि आपने एक कोर्स कराया, अब कोई बंदा है जिसको नॉलेज की कमी है या उसने क्या किया कि थोड़ा हैवी डोज करा दिया है, मान लीजिए हैवी डोज करा दिया है, या फिर तो उसका जो डोजिंग का जो टाइमिंग है वो टाइम पीरियड पे नहीं कराया है, उसको हाफ में से छोड़ दिया, अर्धे में से ट्रीटमेंट छोड़ दी, बट हाँ ठीक लगा 2 दिन में, चलो ठीक है छोड़ दिया अब ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जब वो आप उसको ले जाते वो बंदा फ्री हो गया, आपने उसको सेल कर दिया, वो आपके पास अच्छा भी लगेगा, थोड़ा टाइम तक अच्छा भी दिखेगा वो, बिल्कुल वो, और वो आपको दे दिया बंदे ने, और वो दे देने के बाद क्या होता है, जब वो आपके यहाँ पर वो फिर से बीमार पड़ता है
और फिर वो आप उससे कभी बात करते हैं भाई डेटा है कि दे दो हो जाएगा। हाँ, अब आप जो पर्टिकुलर एक परफेक्ट डोज भी अगर दे रहे हो तो भी वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पहले जो है वो हाई डोज करा चुका है। हाई डोज करा चुका है। अब वो नॉर्मल डोज जो है वो इसको इफेक्ट करना ही नहीं है। बिल्कुल। आप या तो 2000 बचाने में आपके जो 8000 10000 आपने डाले हैं वो पूरा आपको भूल के चलना पड़ेगा, वो रिकवर नहीं करेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी डोज जो है वो छोड़ा हुआ है या फिर तो हाई डोज इफेक्ट। ये ह्यूमन में भी होता है, हमारे इंसानों में भी होता है। बिल्कुल होता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जिससे आप ले रहे हो ना बर्ड वो बंदा नॉलेजेबल है और वो अपनी जो जवाबदारी है उसको पूरा कर रहा है। तो ये भी एक इफेक्ट करता है बर्ड की प्राइसिंग के ऊपर। फजल भाई, मेरा तीसरा सवाल आपसे रहेगा, लोगों को ये सवाल में काफ़ी दिलचस्पी होती है खासकर, कि प्राइस एक ब्रीडर हो वो कैसे डिसाइड करता है, एक रीसेलर हो वो कैसे डिसाइड करता है, और एक पेट शॉप ओनर हो वो अपना प्राइस बर्ड के ऊपर पर्टिकुलर कैसे डिसाइड करता है। कोई पर्टिकुलर बर्ड जैसे कि लव बर्ड का ही एग्जांपल लेके आप हमें समझा सकते हो, हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि भाई सबसे पहले आप एक ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि मैंने आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे यहाँ पर इफेक्ट तो करते ही है। बर्ड की एज, बर्ड की प्राइस, बर्ड की एज है, बर्ड की जो हेल्थ है वो, और इसके साथ साथ अगर आप टेम्ड बर्ड लेते हो तो बर्ड की टेमनेस, उसकी टॉकिंग, वो एक अलग मुद्दा है। तो वो सारी चीज़ें तो इफेक्टेड है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये तीनों की प्राइस अगर करने जाएंगे कंपेयर तो तीनों की प्राइस डिफरेंट रहेगी, तीनों की डिफरेंट रहेगी। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एक तबके की बात करूं, मान लीजिए कि ब्रीडर की बात करते हैं, तो ब्रीडर टू ब्रीडर भी प्राइस डिफरेंट रहेगी, रीसेलर टू रीसेलर भी प्राइस डिफरेंट रहेगी, और इसके साथ साथ जो पेट शॉप ओनर है उनकी प्राइस भी डिफरेंट रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई ब्रीडर है, अब वो ब्रीडर की प्राइस, यहाँ पर तीन ब्रीडर है, तीनों ब्रीडरों की प्राइस जो है वो डिफरेंट रहती है। क्यों? तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रीडर है वो कितना नॉलेजेबल है, और डिपेंड करता है कि वो जो बर्ड की कंडीशन कैसी है, इसके साथ साथ वो बर्ड को कैसे उसने प्रिपेयर किया है, तैयार कैसे किया है। अब मान लीजिए कि किसी एक बर्ड, कोई एक ब्रीडर है, उसके वहाँ 5 चिक्स आए हैं, बराबर तीनों के वहाँ 5-5 चिक्स आए हैं, लेकिन ब्रीडर की एक मेंटालिटी होती है, क्योंकि मैं भी एक ब्रीडर हूँ, ब्रीडर की एक मेंटालिटी होती है कि भाई एक क्लच में से मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी एक के पास 5 में से 5 सर्वाइव कर दिए, किसी एक के पास 2 बचे और किसी एक जो है उसके पास 3 बच गए, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने। ठीक है, अब वो एक मेंटालिटी लेके बैठे हैं कि भाई मेरे को एक इतना एवरेज प्राइस मिलना चाहिए, अब वो 5 सेल कर रहा है, तो थोड़े से डाउन पर मैं एग्जाम्पल अगर दूं आपको, जितना मुझे समझ में आया और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, कि जिसके पास 5 चिक आए हैं, 5 चिक, वो 1000-1000 रुपये में भी चिक सेल कर सकता है, क्योंकि उसके 5000 रुपये खड़े हो गए। अब जिसके पास 3 चिक्स आए हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो 1000 रुपये में देगा, वो आपको 1500 या 2000 में भी देगा। चलो 3 चिक्स बेच के 6000 रुपये कमा लूँ, या 3 चिक्स बेच के एटलीस्ट 5000 तो मैं निकाल लूँ। और जिसके पास 2 चिक्स सर्वाइव कर गए तो वो ऑब्वियसली 2500 रुपये ही लेगा आपके पास से, कि मेरे 5000 जैसे भी करके निकलने चाहिए। तो अमूमन ब्रीडर की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मुझे एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट है, उतना निकालना ही है, चाहे वो 2 बच्चों से निकले या चाहे वो 5 बच्चों से निकले। ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट रहता है ब्रीडर का, और इसके साथ साथ ब्रीडर का एक्सपीरियंस और ब्रीडर का नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा ये चीज़ मैं एक खास इन्वॉल्व करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि कुछ ब्रीडर्स जो है वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे इसके पहले हमने बताया था, कुछ जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो अच्छी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसके वजह से उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और उनको घर में वो नहीं परवड़ता। तो और कुछ ब्रीडर ऐसे हैं जो बिल्कुल बस चल जाता है, जो पचा वो डाल दो और उनके वहाँ ब्रीड नसीब से आ भी जाती है तो वो भी चल जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ऐसी नसीब सी ब्रीड आ रही है तो वो 1 या 2 या 3 होगी, उससे ज़्यादा की ब्रीडिंग की एक्सपेक्टेशन ना रखिए आप, तो वो चलता है। फिर उसके बाद वो पैरा जो है वो मार्केट के अंदर ब्रीडिंग पैर करके सबके पास सेल होती रहती है, और वो बिकती रहती है, मार्केट में फिरती रहती है, वो घूमती रहती है। लेकिन जो ब्रीडर चीज़ यूज़ कर रहा है उसके चिक्स आपको हैवी में बेच रहा है, तो वो एक बात ये भी आप सोच के चलिए कि उसके पास से जो आप चीज़ ले रहे हैं ना वो क्वालिटी वाली चीज़ है। आपको अगर ब्रीड करानी है तो वो चीज़ आगे जाके अच्छी ब्रीड करेगी, तो वो डिफरेंट प्राइसिंग में रहेगा। रीसेलर के ऊपर आ जाते हैं, तो रीसेलर का प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगा, वो डिपेंड करता है उसने कितने चीपेस्ट प्राइस के अंदर चीज़ खरीदी है।
बराबर, अगर उसने कहीं से ऐसा लोन उठा लिया है जो 5-7 जगह से बेकी किया हुआ है, अब वो मान लीजिए कि भाई अब मैं हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं हूँ तो मैंने इससे भी लिया, उससे भी लिया, आपसे भी लिया, वहाँ से भी लिया, अब सबके बर्ड बराबर है, लेकिन वो एक जो है इन्फेक्टेड बर्ड आ गए तो क्या करें, सारे बर्ड इन्फेक्टेड हो गए बराबर, अब वो बंदा पता जानता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो चीपेस्ट प्राइस में जल्दी से जल्दी छूटा होने के लिए निवरा वो बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में निकाल, अपना भाव जो लाया है वो भी निकल जाए तो भी बड़ी बात होती है, तो ऐसे जो है वो फिर वो मार्केट का रेट तोड़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें रहती है। बट ऐसा देखिए, मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई जो ऐसे ऐसे लोग अमुक ही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर कुछ ही है, तो वो ऐसा ना करें। आपके पास अगर बर्ड बीमार है तो आप खुद उसकी ट्रीटमेंट करें, आपको नॉलेज होना चाहिए उतना, अगर आप बर्ड सेल कर रहे हो तो आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए, आप उसके ट्रीटमेंट करें, बर्ड एक बार हेल्दी हो जाए, रेडी हो जाए, फिर आप न्यू हॉबीज़ को दीजिए, क्योंकि देखिए न्यू हॉबीज़ अगर एक बार ले जाता है फिर उसके बाद जो है वो अगर बर्ड उसके पास मर जाता है, दिल टूट जाता है, वो अपना हॉबी छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरी वीडियोस देखते हो आप और मेरी वीडियो देख के आप बर्ड ले रहे हो, तो मैं जाता हूँ पहले मैं एनालाइज करता हूँ, वाकई में अगर वो बर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। काफ़ी बार काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है, हालांकि ज़्यादा आपसे मैंने शेयर नहीं किया है, काफ़ी दूर दूर भी गया हूँ लेकिन बर्ड्स में इन्फेक्शन दिखा मुझे, किसी की आँख में इन्फेक्शन दिखा या कुछ दूसरा प्रॉब्लम लगा, तो काफ़ी दूर यानी कि अप्रॉक्स 200-200 किलोमीटर दूर जाके भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वहाँ से मैं वापस आया हूँ बिना वीडियो बनाए। तो मेरी भी कोशिश काफ़ी हद तक रहती है कि अच्छा बर्ड आपको मिल सके, बाकी कुछ कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी अपने हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार आपको बोलता हूँ बर्ड लेने के पहले 4-5 चीज़ें चेक कर लो, उसके नाखून देख लो पूरे होने चाहिए, आँखें देख लो उसकी, आँखों में से पानी नहीं आना चाहिए, बर्ड को पकड़ के देख लो छाती की हड्डी उसके बाहर की साइड तो नहीं आ रही है वो देख लो, उसका जो वेंट होती है वेंट देख लो, वेंट गीली तो नहीं है, वहाँ से पानी तो नहीं आ रहा है, 4-5 चीज़ें होती जो आपको चेक करके लेना होता है, चोंच वो देख लीजिए, चोंच टेढ़ी नहीं है, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए चोंच, तो कुछ हद तक चीज़ें आप पे भी डिपेंड करती है। दोस्तों फजल भाई ओवर टू यू। जी नेक्स्ट हम पेट शॉप ओनर की बात करते हैं। पेट शॉप ओनर जो है वो तो आप सभी को पता है, सबकी अपने अपने अलग अलग लोकेशन के ऊपर पेट शॉप है, उनका अपना अपना खर्च है, तो वो अपने खर्चे के हिसाब से, और इसके अलावा उनके भी कहीं से परचेज़ करने पड़ते हैं, उनकी बाइंग कितना में है। आप ये बात चल के मान के चलिए कि भाई ऐसा नहीं है कि जो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि भाई वो जो है वो क्वालिटी वाइज चीज़ खरीद रहा हो सामने से, जिसे जहाँ से वो ब्रीडर से या रीसेलर से चीज़ ले रहा है, बाय कर रहा है, वो क्वालिटी वाइज ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो आपकी भी अपनी जो है वो प्राइस को एक्सपेक्टेशंस हाई ही रखेगा क्योंकि वो क्वालिटी दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। तो बहुत सारे मेजर फैक्टर है, हम अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, हम जितना याद आता जाएगा उस तरीके से कवर ज़रूर करेंगे। डिटेल में एपिसोड बनाने के लिए फजल भाई के पास मैं आता रहूँगा, हेल्दी डिस्कशन होता रहेगा, बेसिकली अहमदाबाद बजिस पे आपको पॉडकास्ट एपिसोड भी देखने मिलेंगे, पॉडकास्ट उसको बोलते हैं जो बैठ के बातचीत करते हैं और आपसे एक इन्फॉर्मेशन, आपसे हमारा एक चर्चा विचारना आपसे शेयर करते हैं, उसको पॉडकास्ट एपिसोड बोलते हैं, ऐसे एपिसोड भी दोस्तों आते रहेंगे यहाँ पर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट मैं यहाँ पर फजल भाई से पूछना चाहूँगा टेम बर्ड्स के ऊपर, खासकर टेम बर्ड जो होते हैं उसका प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे होता है उसके अंदर भी, हालांकि टेम बर्ड तो टेम बर्ड होता है, ऑब्वियसली वाइल्ड से डबल प्राइस होता है, अगर वाइल्ड की पेयर आपको सिंगल पेयर आपको 10,000 रुपये की मिल रही है तो सिंगल पीस आपको टेम बर्ड का 10,000 रुपये में मिल सकता है, मतलब डबल होती है प्राइस टेम बर्ड की। टेम बर्ड उसको बोलते हैं जो आपके हाथ पे बैठेगा, आपके साथ एंजॉय करेगा, आपके साथ दोस्तों टाइम स्पेंड करेगा। वाइल्ड बर्ड उसको बोलते हैं जो केज के अंदर रखना है, बस दूर से ही देखना है, गलती से भी आपने हाथ डाल दिया तो ऐसा बाइट करेगा वो खून निकाल देगा। तो वाइल्ड बर्ड अलग होता है, टेम बर्ड अलग होता है। टेम बर्ड का सिंगल बर्ड का प्राइस दोस्तों वाइल्ड डबल के बराबर होता है। तो वाइल्ड बर्ड तो ठीक है, चलो टेम बर्ड की बात कर लेते हैं। टेम बर्ड में क्यों प्राइस के इतना डिफरेंस आता है, उसमें तो मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं चाहिए था। देखिए मुजीब भाई, आपने सबसे पहले आपने जो डिफरेंट बता दिया कि भाई वाइल्ड और टेम्ड, ये बहुत अच्छा किया आपने डिफरेंट बता दिया, कि यही चीज़ क्लियर हो जाती है कि वाइल्ड का जो है वो आपको केज के अंदर रखना है, दूर से देखना है, इंजॉय करना है। टेम्ड जो है वो आपका एक साथी है, कंपेनियन है, वो आपके हाथ में खेलेगा, आपके शोल्डर वगैरह पे बैठेगा, और जो है वो आपके उसको एक पूरा चार्म अलग है। दोस्तों देखिए, एक हैंड टेम बर्ड को हम हाथ पे बिठा के भी दिखा रहे हैं खास आपके लिए, ये फजल भाई के हाथ पे जो बैठा हुआ है येलो साइडेड ब्लू कॉन्यू रही है, ये देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा है, ये बहुत ही खूबसूरत है, इसको बोलते हैं हैंड टेम बर्ड। तो फजल भाई ओवर टू यू, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए आप, क्या प्राइस के बारे में जो बात हो रही थी।
देखिए टेम्ड बर्ड के बारे में हम बात करेंगे कि भाई टेम्ड जो है उसका प्राइस डिफरेंट रहेगा, डेफिनेटली प्राइस डिफरेंट रहेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है। कुछ बर्ड जो है वो 4,000 रुपये के अंदर कोई लोग बेल सेल करते हैं कॉन्यूर्स, कुछ 5.5 में सेल करते हैं, कुछ 8 में सेल करते हैं, ऑलमोस्ट डबल। सो डिपेंड करता है वो बर्ड की टेमनेस के ऊपर, आप बर्ड आपके पास कितना टेम्ड है। बाकी सारे मेजर फैक्टर्स तो है ही, जो हेल्थ वगैरह एज वगैरह वो तो सारी चीज़ें है ही, लेकिन उसकी टेमनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना टेम्ड है। इसके साथ साथ अगर आप बड़े बर्ड में जाते हैं जैसे लाइक ग्रे है, मकाओ है, ये सारे पॉइंट्स, तो उसमें जैसे स्पीकर बर्ड है, जो टॉकिंग बर्ड है, वो कितना टॉक करता है। जितना ज़्यादा टॉकेटिव बर्ड होगा, जितना ज़्यादा ट्रेंड बर्ड होगा, डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। और मान लीजिए कि सिर्फ अभी अभी सेल्फ हुआ है, कुछ नहीं है आपको दे रहे, तो उसका प्राइस जो है वो डेफिनेटली कम ही रहेगा। तो कुछ लोग जो है वो अच्छे ज़्यादा प्राइसिंग में सेल करते हैं। उसके साथ साथ मैं एक बार फिर से ये चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो बर्ड, जो बंदे से आप टेम बर्ड ले रहे हैं, उसने उसे क्या खिलाकर बड़ा किया है, बिल्कुल वो उसकी कॉस्टिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर्मूलाज कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी कम रेट के भी आते हैं, मीडियम रेट के भी आते हैं और काफ़ी हाई रेट के भी आते हैं। तो सीधी बात है, जिसने जितना क्वालिटी वाला खिलाया है उसके पास उसकी प्राइसिंग जो है वो हाई रहेगी, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग हाई रहेगी। और मान लीजिए कि अगर कोई बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर खिलाया हुआ है तो उसकी कॉस्टिंग भी कम रहेगी। लेकिन अगर जब आप सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है, मुझे लॉन्ग टर्म जाना है, मुझे आगे जाने के मेरे पास ये बर्ड जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए, मुझे आगे जाके इसकी ब्रीड लेनी है, अगर ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो अच्छा ही खिला तो आप डेफिनेटली, आपको भी ऐसी जगह से बर्ड खरीदना है जहाँ से वो आपको फीडिंग जो है वो अच्छी तरीके से हुआ हो। इसके पीछे का एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो में अलग बनाएंगे, बिल्कुल फीडिंग के ऊपर दोस्तों एक एपिसोड अलग बनाएंगे प्रॉपर। हम 2-3 बर्ड को उसके अंदर हैंड फीड करके भी दिखाएंगे, डिटेल में वो एपिसोड आएगा। फिलहाल हमने 4 मोटे मोटे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। और फजल भाई का यहाँ पर मैं नंबर भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, इधर वो बर्ड से रिलेटेड हो या बर्ड परचेस से रिलेटेड हो या कुछ भी एक्सवाइजेड उनका बर्ड बीमार हो, तो आप अगर थोड़ा सा हेल्प कर देंगे हमारे व्यूवर्स को तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपका नंबर मैं जानना चाहूँगा। जी मेरा नंबर है 7383047266, रिपीट कर रहा हूँ 7383047266। आप बर्ड्स मुझसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपने कहीं से भी बर्ड लिया है, आपके बर्ड में कोई भी इशू है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, मैं और मेरा जो अवेलेबल टाइमिंग है, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। फजल भाई को वैसे आप सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो, इंशाल्लाह अगर वो कॉल नहीं उठाएंगे तो व्हाट्सअप के थ्रू आप उनको मैसेज करिए, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। कुछ बर्ड लेना हो या कुछ हेल्प आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर कॉल करिए उनको, ऑब्वियसली आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगर आपको मुझसे भी कुछ काम हो, मुझसे भी अगर आपको बर्ड के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी हो, हाँ बर्ड का प्राइस भाई हमारे सिटी में ये प्राइस, हमारे सिटी में वो प्राइस है, उसके लिए प्लीज़ मुझसे कॉल मत करिए। क्योंकि जैसे कि मुझे काफ़ी कॉल आते हैं, मैं हालांकि लोगों को बोलता भी हूँ कि अहमदाबाद के अंदर ही 10 अलग अलग ब्रीडर होंगे, वो 10 लोगों का प्राइस अलग होगा। अब लोग यूपी बिहार से भी कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमारे यहाँ प्राइस क्या है, मैंने ये बर्ड का फोटो भेज रहा हूँ, ये मैं कितने में लूँ आप मुझे बताइए, तो दोस्तों वो मैं कैसे बता सकता हूँ बताइए। इसीलिए बनाया एपिसोड। हाँ अगर किसी को कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हैं, स्टार फार्म का कॉम्बो ऑलवेज मेरे पास अवेलेबल होता है। खासकर अभी मैंने प्लास्टिक आइटम्स में भी जो सीड फीडर, वाटर फीडर वगैरह होते और कैल्शियम ब्लॉक वगैरह होते हैं उसके अंदर भी काम करना स्टार्ट किया है, तो सीड फीडर के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड में बनाने वाला हूँ, जो ऑटोमेटिक सीड फीडर होता है जिससे कचरा पूरा नीचे जमा हो जाएगा, बस ट्रे में से कचरा निकाल के फेंक दीजिए, बड़ा अच्छा यूनिक आइटम है, फ्री डिलीवरी के साथ में अवेलेबल करवा रहा हूँ बहुत जल्दी। प्लास्टिक के अंदर भी हम आ रहे हैं, एसेसरीज के अंदर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे अहमदाबाद बजीज के थ्रू, आपको फ्री डिलीवरी में अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करेंगे, जस्ट जो चीज़ है उसी का प्राइस लेंगे, डिलीवरी ऑलमोस्ट मैं फ्री ही रखूँगा क्योंकि इंडिया पोस्ट जो सरकारी पोस्ट है उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पूरे साल का, तो मुझे डिलीवरी चार्ज वैसे नहीं लगता है, एक बड़ा अमाउंट मैंने ऑलरेडी पे कर दिया होता है वहाँ पर, तो मुझे बार बार डिलीवरी का उनको नहीं देना पड़ता है, इसीलिए मैं डिलीवरी आप लोगों को फ्री देता हूँ।
हाँ डिलीवरी में एक दो दिन लेट हो जाता है क्योंकि सरकारी काम में तो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन फ्री डिलीवरी आपको मिल जाती है क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एपिसोड अच्छा लगा होगा। मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, अबाउट जो चैनल का अबाउट होता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं, चैनल का डिस्क्रिप्शन अबाउट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ बिजनेस इंक्वायरी के लिए ईमेल करना हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए आज का एपिसोड फिर यहीं पे एंड करते हैं। फजल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।